The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाते हैं और आज हम बात करेंगे फीमेल्स के हेल्थ की। आज हम बात करेंगे वजाइनल इचिंग, वजाइनल डिस्चार्ज की। राइट, फीमेल्स को, विमेन को, औरतों को ये प्रॉब्लम बहुत झेलनी पड़ती है। कई लोगों को इसमें नॉलेज, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये इन्फॉर्मेशन उनको दें। राइट, सो क्यों हो सकती है वजाइना में उनको इचिंग, या वजाइना के आसपास क्यों हो सकती है उनको प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज, या वहाँ पर जलन, इचिंग, राइट, खुजली क्यों हो सकती है फीमेल्स को वहाँ पर प्रॉब्लम। सो उसका क्या इलाज है, क्या आपको जानना चाहिए, क्या उसका कोई नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कारण है या नहीं, उस बारे में आज हम जानेंगे। ये बात याद रखिए कि आप फीमेल हैं, आपके वजाइना के थ्रू डिस्चार्जेस हो सकते हैं नॉर्मली भी। राइट, तो आपको देखना क्या है। पहली बात, वजाइना से जो डिस्चार्ज होगा, जो निकलेगा, जो पानी निकलेगा, सफ़ेद हो सकता है, वो थिक गाढ़ा हो सकता है, पेस्ट जैसा हो सकता है, या पतला हो सकता है, वो क्लियर ट्रांसपेरेंट हो सकता है, वो क्लाउडी, थोड़ा सा क्लाउड जैसा हो सकता है, थोड़ा सा खून भी उसमें आ सकता है, वाइट कलर का हो सकता है, येलो कलर का, ब्राउन कलर का, ग्रीन कलर का। राइट, उसमें से स्मेल आ सकती है, बदबू आ सकती है। सो इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको कैसे पहचानेंगे कौन सा नॉर्मल, किसमें क्या है, थोड़ा सा हम आज आइडिया देंगे आपको। और इचिंग, खुजली भी हो सकती है आपको उस एरिया में या उसके आसपास। राइट, और साथ में डिस्चार्ज भी हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। उसके कारण क्या है, देखिए आपके वजाइना में बीच में हर जगह पे और सर्विक्स के पास बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स नॉर्मली क्लियर ट्रांसपेरेंट कलर का म्यूकस बनाते हैं। जैसे आपके मुंह में सलाइवा बनता है, वैसे वहाँ पे म्यूकस बनता है। वो म्यूकस बहुत कॉमनली बाहर आ सकता है और खासकर कुछ टाइम पर, ये जैसे चाइल्ड बेयरिंग एज में, जब आपकी उम्र बांध लीजिए मेंसेस जब शुरू होते हैं तब से लेके जब चाइल्ड बेयरिंग एज शुरू होती है, उस चाइल्ड बेयरिंग, बच्चा पैदा करने वाली उम्र में ज़्यादा निकलते हैं म्यूकस। और उस समय ये सिक्रीशंस जो हैं, जैसे हवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं, राइट, हवा के कॉन्टैक्ट में क्लियर ट्रांसपेरेंट म्यूकस वाइट या येलो भी हो सकता है। सो अगर वाइट कलर का, येलो कलर का डिस्चार्ज है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन है या पस है, रिमेंबर दैट। दूसरा, अमाउंट किसी में कम होता है डिस्चार्ज का, नेचुरल डिस्चार्ज का अमाउंट किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये कैसे, ये आपके हॉर्मोन्स पे डिपेंड करेगा। आपके अगर हॉर्मोन्स जो है ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे ड्यूरिंग आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, मान लीजिए मेंसेस में, मेंसेस के दौरान ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन 14वें दिन पे जब ओवम निकलेगा आपके ड्यूरिंग, बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, तो वहाँ पर आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत एक्टिव होते हैं, बाकी हॉर्मोनल लेवल्स बहुत एक्टिव होते हैं सारे के सारे। सो आपकी वजाइनल डिस्चार्ज, वहां से जो सफेद पानी निकलता है वो ज्यादा निकलेगा। प्रेगनेंसी के दौरान सफेद पानी ज्यादा निकलेगा। सेक्सुअली अगर आप एक्साइट होते हैं, अराउज होते हैं, उस समय सफेद पानी ज्यादा निकलेगा। हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है, रिमेंबर दैट। और इन्फेक्शंस में भी, इन्फेक्शंस में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन जो के इचिंग कर सकते हैं या वजाइना से डिस्चार्ज या सब पानी निकाल सकते हैं, उसमें आपको रिमेंबर, उसको ध्यान रखना है कि वो निकल सकता है ग्रीन या ब्राउन कलर का, ग्रीन कलर या ब्राउन कलर का। और मेन चीज़ उसमें से फिर आने लगेगी कोई ना कोई स्मेल, बदबू। ठीक, तो क्या हो सकता है रीज़न। नंबर वन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आपको हो गया इन्फेक्शन, जैसे कि क्लैमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, ये तीन मेन इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो। दूसरा कारण, फंगल इन्फेक्शन, फंगस, अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सफाई, सही तरीके से सफाई नहीं होती है, तो अनहाइजीनिक कंडीशंस में क्या हो सकता है, आपका वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है।
और कई बार बहुत ही ज्यादा अति सफाई करने पर से, बहुत ज्यादा अगर डाउचिंग करते हैं अंदर से, तो कई बार हम बहुत ज्यादा क्लीन कर देते हैं और नॉर्मल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ओवर ग्रोथ हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, दूसरे एबनॉर्मल बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ हो सकते हैं। उस केस में बस इतना होता है कि डिस्चार्ज जो है थोड़ा गाढ़ा ग्रे और फिशी मच्छी जैसी स्मेल आने लगती है, उसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस कहते हैं, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। और ये चीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल नहीं है, ये सेक्स से ना तो फैलती है ना आपको सेक्सुअली मिलती है, ये सिर्फ नॉर्मल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ है, ठीक है। अब इसके अलावा और डिस्चार्ज कब हो सकते हैं फीमेल्स को, मीनोपॉज के टाइम, जब आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत कम हो गए, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस। ऑब्वियसली मीनोपॉज यानी आपके महीने बंद होने वाले हैं 40, 45, 50 की उम्र के आसपास। और उस केस में क्या होता है, वजाइना कुछ ज़्यादा ड्राई भी हो जाते हैं, इचिंग हो सकती है या बीच में फ्लशिंग हो सकती है, एट्रोफिक वेजेनाइटिस भी हो सकता है, राइट। और कई बार अगर आप कोई टैम्पॉन, अगर टैम्पॉन यूज़ करते हो और उसको वहाँ से भूल गए वहीं पर टैम्पॉन, या कोई फॉरेन बॉडी आप अंदर रख के भूल गए और किसी भी कारणवश, तो उसके वजह से वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन या फाउल स्मेल, बदबू आनी शुरू हो सकती है। और कई बार आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो कपड़े धोने का प्रोडक्ट हो, डिटर्जेंट हो, फैब्रिक सॉफ्टनर हो, या वजाइना में लगाने वाली कोई क्रीम, स्प्रे, ऑइंटमेंट, डाउच, कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम, जेली, कुछ भी हो, वो अगर उस इलाके में आप अपने प्राइवेट पार्ट्स में लगा रहे हैं, तो उसके वजह से भी कई बार आपको इचिंग या आपको वहाँ पर इन्फेक्शन, इरिटेशन हो सकता है। सो अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो यू हैव टू थिंक कि क्या उसके वजह से हो सकता है या किसी दवा के वजह से हो सकता है। सो आपको उस चीज़ के बारे में सोच के अपने डॉक्टर से बात करनी होगी। और कुछ ऐसे लेस कॉमन कारण हैं, जैसे स्किन के कंडीशंस होती है, जैसे लाइकन प्लैनिस और डिस्क्वामेटिव वेजेनाइटिस, बहुत रेयर है, और उससे भी ज़्यादा रेयर है कैंसर। जी हाँ, वेजाइनल कैंसर, सर्विकल, यूट्राइन, फेलोपियन ट्यूब, इन सब के कैंसर्स हो सकते हैं औरतों को। इसीलिए औरतों का जब भी वो सेक्सुअली एक्टिव एज में आती हैं, तब से उनके पैप स्मियर्स, वेजाइनल जो रेगुलरली होते हैं सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट करने के लिए, अब तो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन्स भी आ गई। सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये सब कारण सोच के चलना होता है। कई बार कोई कारण नहीं होता, कई बार सिंपल वेजाइनोसिस होता है। सो क्या कर सकते हैं आप इस चीज़ के लिए, अगर आपको इचिंग हो रही है या वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। सबसे पहले आपको होम केयर, घर ही में अपने क्या कर सकते हैं, नंबर वन, एक तो उस एरिया को आपको ड्राई रखना पड़ेगा, जेंटली क्लीन करना पड़ेगा, बहुत ही आराम से रखना होगा उसको। आपको कैसे क्लीन करना है, पहले तो साबुन नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का सोप, लिक्विड सोप, कोई भी जेंटल जुंटल सोप कुछ नहीं लगाना है, सिंपल पानी से उसे क्लीन करेंगे आप अपने ये प्राइवेट पार्ट्स को। नंबर दो, आप वार्म वाटर में थोड़े कुनकुने पानी में उसे सोख कर सकते हैं, डुबा सकते हैं, यानी बैठ सकते हैं गर्म पानी के टब में, और उसको हर बार जब भी गीला होता है उसे पूरी तरह से ड्राई करना है आपको, अपने प्राइवेट पार्ट्स को ड्राई करना है। और ड्राई करने के लिए टॉवल की जगह आप चाहो तो वार्म या कोल्ड एयर, हवा यूज़ कर सकते हैं ड्रायर से या जैसे भी, वो उसको कम इरिटेट करेगी अगर ऑलरेडी वहाँ पे वेजाइनाइटिस, इन्फेक्शन, इरिटेशन है तो, राइट, टॉवल की जगह। और डाउचिंग नहीं करनी है, डाउचिंग से कई वुमेन जो है डाउच करते हैं, ज़्यादा क्लीन फील करते हैं, तो उससे क्या होता है, अंदर के जितने हेल्दी बैक्टीरिया वो रिमूव हो जाते हैं, जबकि ये हेल्दी बैक्टीरिया आपको प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। उसके अलावा आपको क्या करना है, कोई भी हाइजीन स्प्रे, कोई भी सुगंधित पाउडर या फ्रेग्रेंस स्प्रे ना यूज़ करें, कोई भी टैल्कम पाउडर उस एरिया में ना यूज़ करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैड यूज़ करें, अगर आप मेंसेस चल रहे हैं तो पैड यूज़ करें, टैम्पॉन ना यूज़ करें, खासकर अगर इन्फेक्शन है तो। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करनी बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पर, और आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा उस जगह पे लगे। उसके लिए कैसे कर सकते हैं, आप कॉटन के कपड़े पहनिए, कॉटन अंडरवेयर्स पहन सकते हैं, कॉटन की कम से कम क्राउच लाइनिंग हो, या कॉटन से एयरवे एयर सप्लाई बेटर आर पार जाती है, या कई बार यू कैन ऑल्सो नॉट वेयर अंडरवेयर, राइट, वो भी ऑप्शन है। और
लूज फिटेड क्लोथ्स, थोड़े से ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों से लेके वुमेन तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पता होना कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को कैसे साफ करेंगे। रिमेंबर, नहाते समय, शावर लेते समय, वॉशरूम जाते समय, बाथरूम जाते समय, हर बार आपको पहले और बाद में उन्हें साफ करना है। और रिमेंबर, जब भी साफ करेंगे आगे से पीछे करेंगे, पीछे से आगे नहीं करेंगे। पीछे आपके एनस के थ्रू आपको इन्फेक्शन आगे वजाइना में नहीं घुसाना है। आप आगे से पीछे साफ करेंगे, पीछे से आगे नहीं, नहीं साफ करेंगे, आगे से पीछे करेंगे साफ। रिमेंबर दिस, राइट? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट? इसके अलावा अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो सेफ सेक्स, कॉन्डम यूज़ करेंगे और अवॉइड करेंगे ताकि खुद भी इन्फेक्शन ना हो जाए, अगर खुद को है तो दूसरे को ना दे दें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो और अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज आपको लगता है कि ज़्यादा है, फाउल स्मेलिंग है, आपको लगता है आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, आपके मान लीजिए बुखार है या नीचे पेट में दर्द हो रहा है, या फिर किसी भी तरह से मान लीजिए एकदम डिस्चार्ज का कलर चेंज हो गया है, या जो इचिंग है वो बढ़ती जा रही है, सूजन दिक्कत बढ़ती जा रही है, ब्लिस्टर्स कुछ आ गए हैं, ऐसी कोई भी चीज़ या फिर आपको लगता है कोई दवा की वजह से ऐसी कुछ हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो क्या करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उस वेजाइनल डिस्चार्ज की को टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। वेजाइनल डिस्चार्ज को आप माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं कि वो क्या है, उसमें कैसी, उसमें पस सेल्स हैं, उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्या है, क्या नहीं है, कौन से हैं, राइट? वेट प्रिपरेशन, उसके कल्चर्स भी करे जा सकते हैं, पैप स्मियर करके देखेंगे ऑब्वियसली, और सर्विकल कल्चर भी करके देख सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े मान लीजिए वहाँ कोई स्किन लेजन है तो उसकी बायोप्सी भी की जा सकती है। अल्टीमेटली कई बार इतने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, प्लेन सिंपल होम रेमेडी से आराम हो जाता है। अगर आपको होम रेमेडी से हफ्ते भर में आराम नहीं हुआ तो ही फिर आप इन सब के लिए ऑप्ट करें या डॉक्टर की सलाह माने। सो ये हुई बात आपके, अगर आपको वजाइनल इचिंग, प्राइवेट पार्ट्स पे इचिंग या डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई इम्पॉर्टेंटली, और कुछ काम की लगी है तो थम्स अप दे दीजिएगा, शेयर करिए और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, और स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।